हाय, मैं अल्ताफ बॉलीवुड अपडेट में आपका स्वागत करता हूँ। फटाफट देखते हैं क्या है आज की बॉलीवुड की टॉप 5 खबरें। सलमान खान गर्लफ्रेंड लूलिया के साथ दुबई में कर रहे हैं टाइम स्पेंड। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान इन दिनों दुबई में हैं। खबरों के मुताबिक उनकी गर्लफ्रेंड लूलिया वंतूर भी उनके साथ हैं। सलमान लूलिया की कुछ फोटो सामने आई हैं, इनमें एक लड़की सलमान के साथ दिख रही है। इसका फेस तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कहा जा रहा है कि यही लड़की लूलिया वंतूर है। लता मंगेशकर करेंगी रणवीर सिंह को सम्मानित। मशहूर सिंगर लता मंगेशकर ने एक्टर रणवीर सिंह को दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करने की बात कही है। पंडित दीनानाथ मंगेशकर की याद में हर साल मंगेशकर परिवार 24 अप्रैल को कलाकारों को सम्मानित करता है। इस साल ये पुरस्कार पुणे में आयोजित एक समारोह में रणवीर सिंह को प्रदान किया जाएगा। प्रियंका की बेवॉच फिल्म की रिलीज डेट हुई घोषित। प्रियंका चोपड़ा की फिल्म बेवॉच की रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई है। फिल्म 19 मई 2017 को रिलीज होगी। फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के साथ डेन जॉनसन, जेक एफ्रॉन, एलेक्जेंड्रो डेड्रियो भी नजर आएंगे। ऐश्वर्या की सरबजीत की शूटिंग रुकी, सेना के जवानों ने ऐश्वर्या संग ली सेल्फी। फिल्म सरबजीत की शूटिंग में हिस्सा लेने के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन समेत कई सेलिब्रिटी अटारी बॉर्डर पर गए हैं, लेकिन सरकार की ओर से अनुमति नहीं मिलने के कारण शूटिंग नहीं हो पा रही है। इस बीच सेना के जवानों ने ऐश्वर्या के संग सेल्फी का मजा लिया। निर्जा ने की अब तक शानदार कमाई। सोनम कपूर की निर्जा एक हफ्ते में 35 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। पहले वीकेंड में लगभग 22 करोड़ रुपए की कमाई की थी। आम दिनों में भी इसकी कमाई अभी तक बताया जा रहा है कि 3 करोड़ रुपए से कम नहीं हुई है। आज बॉलीवुड अपडेट में इतना ही। फिर मिलते हैं बॉलीवुड की टॉप 5 खबरों के साथ। तब तक देश और दुनिया की ताज़ा जानकारी के लिए आप india.com पर लॉग ऑन करें और पढ़ते रहिए खबरें।